विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। अब देखो प्रोटीन जो होता है बॉडी के अंदर पाया जाता है, इसलिए कौन सा पॉलीमर है? बायो पॉलीमर कहलाता है, जो बॉडी के अंदर ही बनता है। प्रोटीन्स, हमारे बाल, हमारे नाखून, ये सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें स्टार्च, आलू में जो आप स्टार्च देखते हो, आलू में जो चिकना सा पदार्थ निकलता है या कंपोनेंट निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। साबूदाना, उसमें भी स्टार्च मिलता है। हमारी बॉडी के अंदर भी हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, गेहूं खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी रहता है। आलू के थ्रू हमारे अंदर स्टार्च जाता है, ठीक है। स्टार्च से ग्लूकोज, इन सब का बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। रबर, ये भी क्या है? हमें पेड़ों से मिलता है। आइसोप्रीन, अगेन क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। तो ये तीनों क्या है? नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। ये भी क्या है? नेचुरल पॉलीमर है, नेचुरल। और ये वाला जो है, ये भी क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। तो हमसे पूछा गया है नॉट ए नेचुरल पॉलीमर, तो दैट इज द सिंथेटिक पॉलीमर। ये क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर है, रेयॉन, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर, इसको सिंथेसाइज किया जाता है लेब के अंदर।